A very good afternoon, everyone. Welcome to another session being conducted by Adda 247. मेरा नाम है संदीप सामल और as usual मैं आप यहाँ पे जुड़ गया हूँ आप लोगों से एग्रीकल्चर डिस्कस करने के लिए. ओके, सो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शंस देख रहे थे, कल बंगाल ग्राम हो गया था, आज जो है पल्स क्रॉप का लास्ट क्रॉप है. यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम, छोटे छोटे क्रॉप है, बहुत लाइक रेड ग्राम या ब्लैक ग्राम चिकपी की तरह नहीं है, बंगाल ग्राम की तरह नहीं है. ओके, सो छोटे क्रॉप्स हैं इसलिए दो क्रॉप आज हम लोग एक दिन में देख लेंगे. ओके, सो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और लाइव सेशन का फायदा ज्यादा लोग यहाँ पे उठा पाए. ओके, सो तो स्टार्ट करें. आई होप सो बाकी के सेशंस बहुत ही बढ़िया रह रहे होंगे, आप लोगों को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा. यहाँ पे बाकी के सेशंस में जितने भी पल्स क्रॉप कंप्लीट हो गए हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स बाकी हैं, फटाफट ऑयल सीड क्रॉप्स कंप्लीट करेंगे. और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन का यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, जो क्रॉप प्रोडक्शन का सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. वेरी गुड आफ्टरनून भाविक, वेलकम टू द सेशन. ओके, सो हाय मोनिका, वेलकम टू द सेशन. एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर आज का सेशन फटाफट. सो ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम देख लीजिए, देखने में एक ही तरह का है, बस कलर डिफरेंस है, दैट्स इट. और ऑब्वियसली टेस्ट भी डिफरेंस है. ओके, स्टेन, सो ये है यहाँ पे ब्लैक ग्राम एंड हियर This is the green gram crop. Okay, so एक second, done. So black gram and green gram crop है यहाँ पे दोनों. फटाफट देख लो आप, ये plant है. Okay, जो plant है ना वो दोनों के केस में ऐसा ही दिखता है. Okay, same तरह का दिखता है दोनों के केस में. Plant का जो appearance है, the physiology of the plant or the appearance of the plant is the same for both the crops, black gram and green gram. Just that आपको पता होना चाहिए कौन सा क्रॉप है एंड उसके अंदर का जो सीड्स है वो ऑब्वियसली ब्लैक ग्राम के केस में ब्लैक ग्राम होगा और ग्रीन ग्राम के केस में ग्रीन ग्राम होगा. ब्लैक ग्राम का जो कॉमन नेम है आप लोग जानते होंगे, इट इज नोन एज उरद. ओके, एंड जो ग्रीन ग्राम है उसका कॉमन नेम या फिर बेसिकली हिंदी में जो ट्रेडिशनल नेम है दैट इज मूंग. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन ग्राम से स्टार्ट करते हैं फटाफट. यहाँ पे ग्रीन ग्राम का टैक्सोनॉमी वगैरह देख लेते हैं. इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे हमारे साथ और जुड़ गए हैं. हाय आरुषि, गुड आफ्टरनून भारती, गुड आफ्टरनून पूनम एंड वेलकम टू द सेशन. चलिए, सो और टैक्सोनॉमी देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट ब्लैक ग्राम का. नहीं, पहले ग्रीन ग्राम देखते हैं. ओके, पहले ग्रीन ग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन ग्राम में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो ब्लैक ग्राम में भी जो है इंक्लूड हो जाएंगे. सो वो ना पॉइंट्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है. आपने ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम का जो प्रैक्टिस है, जो कल्चरल ऑपरेशंस है या फिर जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, जो कल्टीवेट करने का जो तरीका है, ओके, वो लगभग यहाँ पे सेम ही है. ओके, आप कह सकते हो कि सेम ही है. ओके, सो इवन द क्रॉप ड्यूरेशन इज ऑल्सो सेम. जो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है इट इज रेंजेस समवेयर बिटवीन 45 डेज टू 60 डेज. ओके, डेढ़ महीने से दो महीने के रेंज का सबसे कम का क्रॉप रहता है यूजुअली एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द रीजन. मान लीजिए अगर कोई क्रॉप आपके रीजन में हो रहा है तो दैट डज नॉट मीन की सेम वेराइटी किसी, देखिए ब्लैक ग्राम यहाँ यूपी में मान लीजिए ब्लैक ग्राम उग रहा है, राइट, आंध्र प्रदेश में भी ब्लैक ग्राम उग रहा है, या फिर ग्रीन ग्राम यूपी में उग रहा है, ग्रीन ग्राम आंध्र प्रदेश में भी उग रहा है, लेकिन जो वैरायटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे कोई और वैरायटी उग रहा है, वहां पे कोई और वैरायटी उग रहा है. ओके, सो द वैरायटीज दैट आर ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट्स आर डिफरेंट. ओके, सो दिस इज द थिंग. बाकी कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है यहाँ पे इन केस इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड ऑल. इवन इसके जो स्टेजेस है लाइक अगर हम क्रिटिकल इरिगेशन स्टेजेस देख रहे हैं तो फिर वही चीज है, फ्लावरिंग या फिर प्री फ्लावरिंग और पॉट डेवलपमेंट वही स्टेजेस है यहाँ पे. क्रॉप का ड्यूरेशन भी सेम है. ओके, क्रॉप की फैमिली सेम है, क्रॉप का ऑरिजिन सेम है. चलिए आइए फटाफट यहाँ पे देखते हैं. लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसका साइंटिफिक नेम. ओके, ध्यान दीजिएगा और मैं लास्ट में बताऊंगा आपको एग्जैक्टली किस चीज को ध्यान देने के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ. ओके,
हाय प्रवीण, वेलकम टू द सेशन। हाय सिरसा, वेलकम टू द सेशन। ये संदीप, मूंग जो है ग्रीन कलर का ही होता है, एंड एज द नेम सजेस्ट ब्लैक जो है ब्लैक कलर का होता है। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, काफी बोगस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट। ग्रीन ग्राम, सो ग्रीन ग्राम जो है साइंटिफिक नेम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। ग्रीन ग्राम का साइंटिफिक नेम है विग्ना रेडियाटा, रेडियाटा। ओके, सो विग्ना रेडियाटा जो है यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, किसका है? ग्रीन ग्राम का है। क्लियर। अब देख लेते हैं इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है। पहले फैमिली देख लेते हैं, फैमिली क्या है इसका, ऑरिजिन बताइए जरा, क्या पता है आपको? व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ ग्रीन ग्राम? ओके, ग्रीन ग्राम का ऑरिजिन क्या है, आपको क्या पता है? इफ यू नो देन काइंडली कमेंट द आंसर। जब तक मैं वहां पे पहुंचूं ऑरिजिन तक, तब आपके आंसर जो है स्क्रीन पे होने चाहिए। सो द फैमिली इज लेग्यूमिनेसी और फैबेस। ओके, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 22। ओके, 2n इज इक्वल टू 22। क्लियर। ऑरिजिन, आई एम स्टिल वेटिंग, ऑरिजिन क्या है यहां पे? इंडिया। वेरी गुड प्रवीण, द ऑरिजिन इज इंडिया। ओके, इंडिया जो है इसका ऑरिजिन है किसका? ग्रीन ग्राम का। क्लियर, ग्रीन ग्राम का ऑरिजिन क्या है? इट इज इंडिया। नेक्स्ट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फटाफट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्रॉप। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यों मैंने ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम से पहले बताया? क्योंकि ग्रीन ग्राम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप अमॉन्ग द पल्सेस। पल्सेस में थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है, पहला रेड ग्राम है, दूसरा चिकपी है, एंड ग्रीन ग्राम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है, पल्सेस में जितने भी हमारे पल्स क्रॉप है उनमें ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल क्रॉप्स, मतलब सारे क्रॉप्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पल्स क्रॉप की बात कर रहा हूँ जो हमारे दाल के लिए यूज किया जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रिच इन प्रोटीन। It is the third important crop among pulses. Okay. Next, protein content. Protein content कितना है इसका? The protein content. Protein content in green gram. जो green gram का protein content है, it is 23 to 24%. कितना है यहाँ पे? 23 to 24%. ओके, नेक्स्ट, फोटोपीरियडिज्म किस टाइप का क्रॉप है? लॉन्ग डे क्रॉप है या शॉर्ट डे क्रॉप है? अब अगर हम ग्रीन ग्राम के केस में देखें तो इसमें बहुत सारे वेराइटीज हैं। ओके, देयर आर सो मेनी वेराइटीज, एंड बोथ लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे वेराइटीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ग्रीन ग्राम क्रॉप। ग्रीन ग्राम का जो क्रॉप है इसमें लॉन्ग डे वेराइटीज भी आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट डे वेराइटीज भी आपको मिल जाएंगे, both long day and short day varieties are available. Clear? Simple? Okay. So this is about the photoperiodism. Okay. मोनिका, आपको ज्यादा नहीं, बस आप कंट्री ऑफ ऑरिजिन याद रखोगे, देन दैट शुड बी that should do the job. Okay, आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब exactly इंडिया में कहाँ था, या फिर अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कोई और कंट्री का तो वहां पे exactly कहाँ था, इतना डिटेल में आपको ऑब्वियसली टेक्निकल में भी नहीं चाहिए। ओके,
सर फर्स्ट टू पर्ल्स कौन सा था? पहले दो पर्ल्स थे हम लोगों ने पढ़ लिए, रेड ग्राम और या फिर तूर दाल, ओके, एंड चिकपी और बंगाल ग्राम, या फिर जो चना आप बोलते हो, चना, काबुली चना. सो दैट वाज द सेकंड क्रॉप एंड ग्रीन ग्राम हियर इज द थर्ड क्रॉप अमंग द पल्सेस. ओके, सो फोटोबिलिटिज्म क्या है? बोथ लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे वेराइटीज आर अवेलेबल यहाँ पे. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं. अच्छा, मैंने इसके एरिया एंड प्रोड्यूस के बारे में नहीं बताया. सो द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन आवर कंट्री इज महाराष्ट्र. ओके, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्शन इन ग्रीन ग्राम इज महाराष्ट्र. State having highest production in our country is Maharashtra. Clear? So this is about these are all the characteristics, general characteristics. Okay. अब फटाफट हम लोग इसके क्लाइमेट देख लेते हैं कि exactly what kind of climate is required for this crop. Okay. For growth of this crop, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे. Okay. कौन सा एग्जाम होता है सर ये? देखिए जागो, जागो, आपको अभी तक जागने की जरूरत है. ओके, सो एफसीआई का ऑलरेडी फॉर्म आके चला गया है मार्च के महीने में. हम लोग यहाँ पे एफसीआई के लिए यहाँ जो है सेशन कर रहे हैं. ओके, तो आप देख रहे होगे, आई थिंक जो यहाँ पे मेन इसका हेडिंग है उसमें भी हाँ एफसीआई लिखा है, एफसीआई एजेंट 2021. ओके, सीतु चौरासी. सर व्हाट इज द प्रोटीन प्रोटीन कंटेंट? प्रोटीन कंटेंट जो यहाँ ग्रीन ग्राम है दैट इज 23-24%. ओके, जो ग्रीन ग्राम में प्रोटीन कंटेंट है दैट इज 23-24%. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्लाइमेट. ओके, सो क्लाइमेट में पहले देखते हैं कौन से टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए, देन देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, ओके, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है यहाँ पे. दिस क्रॉप grows well in hot and humid climate. हमेशा याद रखिएगा, एक मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, जब भी हम प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं ना, तो अगर बुक में लिखा है कि मान लीजिए टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री है या 35 से 40 डिग्री है या फिर 40 से 45 है, कोई भी क्रॉप के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट थिंग प्रैक्टिकलिटी में नहीं मिलता है. ओके, अगर आप बुक में लिखा है कि ए टू जेड इस तरह से 1, 2, 3, 4 स्टेप आपको फॉलो करके यू हैव टू कल्टीवेट अ क्रॉप, सो फार्मर नहीं करता है. मे बी फार्मर कोई एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर लेता है, मे बी कोई स्टेप स्किप कर देता है. सो जो प्रैक्टिकल कंडीशंस है ना वो थोड़े से यहाँ पर डिफरेंट होते हैं. ठीक है, बहुत लोग क्वेश्चन आते हैं कि सर ऐसा क्लाइमेट चाहिए, लेकिन इस तरह के क्लाइमेट में भी तो ये ग्रो हो जाता है. ऑब्वियसली ग्रो हो जाता है. ठीक है, क्यों ग्रो होता है? क्योंकि जो क्रॉप्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वो भी कुछ हद तक अडेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, अडेप्टेशन इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो अडेप्टेशन है ना, इसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है, तब भी जो है क्रॉप्स एडजस्ट कर लेते हैं और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं. बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो नहीं होते हैं. कैसे पता चलता है? पता है, जो यील्ड है ना, मान लीजिए जो बेस्ट कंडीशंस होगा, बेस्ट कंडीशन का यील्ड भी बेस्ट ही होगा. सबसे टॉप नॉच यील्ड रहेगा किसका? जो बेस्ट कंडीशंस होगा. बट जब कंडीशंस आर नॉट द बेस्ट और नॉट द ऑप्टिमम कंडीशंस, देन द प्लांट्स हाउ दे विल रिएक्ट, यू नो, इट दे विल रिएक्ट बाय रिड्यूसिंग द यील्ड. ठीक है, जो यील्ड है ना थोड़ा सा रिड्यूस होगा, प्लांट का जो ग्रोथ है वो बहुत हल्का सा अफेक्ट होगा अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर बहुत वैरी किया तो ऑब्वियसली मे बी सीड भी जर्मिनेट ना हो. क्लियर? नेक्स्ट, सो क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसा? दिस क्रॉप ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना टेम्परेचर जो है इसके लिए बेस्ट होता है? द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम 30-35 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? 30
32 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जो है टेम्परेचर वैरी करता है. ओके, एनी डाउट? सॉइल, ऑब्वियसली प्रवीण सॉइल भी आने वाला है. ओके, बताऊंगा मैं सॉइल के टाइम पे कि क्या एग्जैक्टली कौन सा सॉइल चाहिए यहाँ पे. ओके, वाई वाई अगर आप प्रोटीन कंटेंट का क्वेश्चन पूछ रहे हो वाई, देन ये तो प्लान से ही पूछना पड़ेगा कि उसका प्रोटीन कंटेंट 23-24% क्यों है. वाई द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द प्लांट इज 23-24%. नाउ दिस क्वेश्चन कैन ओनली बी आंसर बाय ब्लैक ग्राम. ठीक है, नेक्स्ट. एग्जाम कब होगा? अब एग्जाम कब होगा, या तो एफसीआई वाले जाने या फिर आईबीपीएस वाले ही जाने, लेकिन लेट होगा इतना हम लोग कह सकते हैं. एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अवेयरनेस कहां से पढ़ना पड़ेगा फॉर एजीएम? देखिए, पहली बात तो मतलब आपका जो एग्रीकल्चर सिलेबस दे रखा है एफसीआई एजीएम में, उसमें आई थिंक करंट अफेयर्स मेंशन नहीं है. बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, ओके, स्टिल आप देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली जो करंट अफेयर्स है, देन यू कैन रेफर. सो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, यू कैन रेफर दो वेबसाइट्स, और कुछ बुक्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल करंट अफेयर्स, बहुत सारे करंट अफेयर बुक्स आप अमेजन पे सर्च करो. देखिए, करंट अफेयर्स में कोई इशू नहीं है, कोई भी बुक आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, आपकी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से आप इंग्लिश बुक ले सकते हो, हिंदी बुक ले सकते हो. इवन आप अगर अमेजोन पर जस्ट सर्च करोगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, यू गेट अ लॉट ऑफ बुक्स देयर. ओके, सो आप वहां पे देख सकते हो. ओके, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने यहाँ पे दे रखा है 84, थोड़ा सा वेट कीजिए, एंड हियर इट इज 32-35 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट. हाँ, इसमें नेक्स्ट आता है इसमें सॉइल. ओके, कि सॉइल में क्या क्या है. ग्रीन ग्राम कैन बी ग्रोन इन वाइड रेंज ऑफ सॉइल. ठीक है, कोई पर्टिकुलर सॉइल की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सॉइल में इसको, जिस टाइप के सॉइल आप ढूंढोगे ना, लगभग ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम ग्रो हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, जो सॉइल है वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो तो हो जाएगा, लेकिन एक चीज उसमें नहीं होना चाहिए सॉइल में. क्या नहीं होना चाहिए? एल्कलिनिटी या फिर सैलिनिटी सॉइल में नहीं होना चाहिए. क्लियर? क्या नहीं होना चाहिए? एल्कलिनिटी या सैलिनिटी सॉइल में नहीं होना चाहिए. ओके, द सॉइल शुड नॉट बी एल्कलाइन और सैलाइन. क्लियर? सो ये था सॉइल के बारे में. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सीड रेट कितना है. फिफ्टीन टू ट्वेंटी केजी पर हेक्टेयर. एक हेक्टेयर के लिए 15-20 केजी सीड चाहिए. ओके, हाउ मच सीड डू रिक्वायर फॉर वन हेक्टेयर ऑफ लैंड? फॉर वन हेक्टेयर ऑफ लैंड वी रिक्वायर 15-20 केजी ऑफ सीड. क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं इसका स्पेसिंग. ओके, जो रो टू रो डिस्टेंस है एंड द प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, वो कितना होना चाहिए? हाउ मच इट शुड बी? 30x10 सेंटीमीटर. ओके, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, डन. ओके, रो टू रो डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यहाँ पे जो है 10 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट, वॉट इज एल्कलिनिटी? और देखिए, सॉइल एल्कलाइन हो जाता है. ओके, एल्कलिनिटी जब भी आप पीएच ज्यादा हो जाता है ना 7 से ऊपर, तो धीरे धीरे बेसिसिटी जो है बेसिक बन जाता है सॉइल, तो उसमें एल्कलिनिटी होता है, सोडिक सॉइल होता है, सैलाइन सॉइल होता है. डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहिए, जब सॉइल साइंस पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैलाइन एल्कलाइन एंड सोडिक सॉइल. ठीक है, इनमें क्या जो है अंतर है. ओके, चलिए, इनमें कलर का भी अंतर होता है, उस टाइम पे मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि होता क्या है. ओके, अभी टॉपिक से डेविएट नहीं करेंगे, टॉपिक चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन ही देखते हैं. ओके, चलो. सो नेक्स्ट आता है सोइंग मेथड्स. व्हाट आर द सोइंग मेथड्स? सोइंग मेथड्स, ओके, या तो सीड को ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है. मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, बेसिकली रैंडमली थ्रोइंग द सीड्स. ठीक है, कोई रोड डिस्टेंस नहीं, कोई प्लांट डिस्टेंस नहीं, डजंट मैटर कितना स्पेसिंग दे रहे हो, क्या कर रहे हो. The only thing you know is आपने मुट्ठी भर सीड ले लिया एंड यू आर जस्ट रैंडमली थ्रोइंग अराउंड यू. ठीक है, आप अपने चारों तरफ रैंडमली थ्रो कर रहे हो सीड्स को, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग. नाउ व्हाट इज ड्रिलिंग?
ओके ड्रिलिंग होता है ना कि एक ट्रैक्टर या फिर बुलक ड्रोन इक्विपमेंट होता है, बुलक ड्रोन वाला बहुत छोटा छोटा होता है, लाइक दो से तीन रो का ही सोइंग हो सकता है, लेकिन जो ट्रैक्टर ड्रोन ड्रिलर होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, 6-7-8 टेथ वाले या फिर जो है ट्यूब्स वाले होते हैं, यहाँ पे सोइंग किया जा सकता है। ओके सो इसमें होता क्या है, बेसिकली दैट इज अ बॉक्स काइंड ऑफ थिंग ओके ऑन द टॉप। मैं सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट गोइंग इनटू टेक्निकलिटी हियर, जवान फंस रहा है। सो ऊपर ना एक छोटा सा बॉक्स होता है जो इक्विपमेंट होता है, मैंने आपको दिखाया है क्रॉपिंग पैटर्न में, मैंने इसका पिक्चर आपको दिखाया है, जो लोग नहीं देखे हैं तो आई थिंक क्रॉपिंग पैटर्न हो रहा था 7:30 PM वाले सेशन में, तो आपने एक बार 7:30 PM वाले सेशन पे एक बार नजर डाल दो। ओके सो जो मशीन होता है ना जो वो ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है राइट, और जो इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर ना एक लंबा सा बॉक्स होता है ओके, उसमें सीड रहता है। अब उससे ना छोटे छोटे ट्यूब्स निकले हुए रहते हैं, मान लीजिए ये मशीन है और इसमें से जो है ट्यूब्स निकले हुए हैं ओके, ये जो ट्यूब्स है ना ये ऊपर से जो सीड है ये ट्यूब से गिरते हैं और नीचे जाते हैं, ये धीरे धीरे इसके सामने एक नुकीला सा चीज लगा हुआ रहता है, ये प्लाउिंग करते हुए जाता है फील्ड में ओके, ये प्लाउिंग करते हुए जाता है फील्ड में और ये जो ट्यूब लगा है इसमें से सीड गिरते हुए जाता है। अब ये सीड के साथ साथ आजकल हमेशा से ओके जो सीड ड्रिल है उसमें फर्टिलाइजर भी निकलते हैं, वहीं पे दिया जाता है जहां पे जरूरत हो, अगर सोइंग के टाइम पे कहीं पे फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता है। ओके एक बार क्रॉपिंग पैटर्न वाला क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने आपको पूरे पिक्चर के साथ बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ सीड ड्रिल, कैसा दिखता है। नेक्स्ट सोइंग मेथड्स यहाँ पे क्या है, सोइंग मेथड्स है यहाँ पे द सीड्स कैन बी सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग, दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज करके हम यहाँ पे सोइंग कर सकते हैं। क्लियर, सो ये जो है दिस इज अबाउट द सोइंग। अब अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है ना कि KNO3 स्प्रे किया जाता है, ठीक है, बहुत जगह पे आप देखोगे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम में नहीं लगाया जाता है, इवन बिना न्यूट्रिएंट के भी इस क्रॉप को कल्टीवेट कर लेते हैं लोग, ठीक है, जैसे पैडी का खेती कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे हैव टेकन अ पैडी क्रॉप, दे आर कल्टीवेटिंग अ पैडी क्रॉप, एज सून एज द क्रॉप इज हार्वेस्टेड दे गो फॉर द सोइंग ऑफ ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम, ठीक है, जैसे ही पैडी की खेती जो है कटाई होती है, जैसे ही उसकी हार्वेस्टिंग होती है ओके, वैसे ही यहाँ पे ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम को सोइंग कर देते हैं, या फिर जस्ट कटाई होने से पहले भी सोइंग कर देते हैं, जस्ट ब्रॉडकास्टिंग ओके, सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, कोई प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग नहीं, कोई रो टू रो स्पेसिंग नहीं, नथिंग ओके, और इसको उसी मॉइस्चर में उसी न्यूट्रिएंट में ग्रो होने देते हैं ओके। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं लाइक KNO3, KNO3 क्या करता है ना, थोड़ा सा पोटेशियम सप्लाई करता है एंड इट बूस्ट द डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का डिजीज रेजिस्टेंट होता है ना वो थोड़ा सा बूस्ट करता है, मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए जो जिस सिवियरिटी से जिस जितने एक्सपोजर से एक डिजीज अटैक या फिर एक डिजीज इन्फेस्टेशन होने वाला था, अब उससे थोड़ा ज्यादा सिवियरिटी के केस में ही वो डिजीज इन्फेस्टेशन होगा ओके। तो सिंपल टर्म्स में यही है। सो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स में KNO3 यूजुअली यूज किया था फॉर फॉलियर स्प्रे, इसमें मैं ये न्यूट्रिएंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है ओके, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स में ये ऑलरेडी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स आर यूज एज अ फॉलियर स्प्रे टू बूस्ट द डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम, ठीक है, एंड द आंसर विल बी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ओके। श्योर भारती, इफ एनी काइंड ऑफ वेबसाइट इज अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम द बुक्स देन ऑब्वियसली आई विल कन्वे दैट नेम ऑफ द वेबसाइट ओके, एज सून आई गेट इट ऑब्वियसली, राइट नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वेबसाइट फॉर दैट पर्पस फॉर दिस एग्री करंट अफेयर्स ओके। तो क्या होता है KNO3 राइट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3
इज यूज्ड एज फॉलियर स्प्रे. फॉलियर स्प्रे का मतलब याद है, मैं ऑलरेडी बताया था आपको. बेसिकली स्प्रे किया जाता है ऑन द फॉलिएज, जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों पे स्प्रे किया जाता है. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन. ओके, आपको आप लोगों को याद होगा बेसल एप्लीकेशन, टॉप ड्रेसिंग मैंने इतना सारा बताया था. सो दिस फॉलियर स्प्रे इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन. क्लियर? सो पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज फॉलियर स्प्रे. क्लियर? सो बहुत ज्यादा चीज नहीं है. ओके, विद दिस ग्रीन ग्राम इज डन. ओके, ग्रीन ग्राम इसी के साथ खत्म होता है यहाँ पे. अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट ब्लैक ग्राम. बहुत ही रिलेटेड चीजें हैं ब्लैक ग्राम, तो अब इतना इसके मैक्सिमम चीजें उसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे. बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ डिफरेंट होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, क्रिटिकल वही चीज है. अच्छा, मैं लास्ट में क्रिटिकल इरिगेशन वाला पॉइंट यहीं पे जोड़ देता हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे वरना. क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन. ओके, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन यहाँ पे क्या है? प्री फ्लावरिंग या फ्लावरिंग, जो भी आपको ऑप्शन में मिले. ओके, दोनों नहीं मिलेगा. एंड पॉड डेवलपमेंट. क्लियर? नेक्स्ट फटाफट से देख लेते हैं ब्लैक ग्राम. हार्वेस्टिंग में कुछ नहीं होता है प्रवीण, बेसिकली द प्लांट इज अप्रूटेड. ओके, मैं एक बार हार्वेस्टिंग के बारे में बताता हूँ होता क्या है हार्वेस्टिंग में. ओके, जब पूरे के पूरे प्लांट्स जो है ड्राई हो जाएंगे, जो पॉड्स आप देख रहे हो, ये पॉड्स देख रहे हो, ये पूरे ब्लैक हो जाते हैं. ओके, दिस पॉड्स टर्न इन टू ब्लैक कलर. ओके, जब ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे, लीव्स ड्राई होना चालू हो जाएंगे, तो क्या किया जाता है, मतलब पूरे ड्राई नहीं होंगे, हल्का हल्का पता चलेगा कि मॉइस्चर लूज हो रहा है. ओके, प्लांट को अपरूट कर दिया जाता है पूरा का पूरा, फिर उसको लेके ड्राई कर दिया जाता है, मतलब जो स्लो मतलब एक स्लैब जैसा, या फिर वहीं पे जहां पे अपरूट किए ना वहीं पे रख दिए जाते हैं. ओके, जहां पे अपरूट किए वहीं पे रख दिए जाते हैं. जो पॉड्स हैं वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा. इतने ड्राई हो जाएंगे कि मान लीजिए अगर ये प्लांट का एक पूरा का पूरा प्लांट है और इसमें पॉड निकले हुए हैं, तो आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे मार भी दोगे ना एक बार, तो सारे के सारे सीड्स गिर जाएंगे, इतने ड्राई हो जाते हैं. ओके, सो फिर उसके बाद उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है. क्या किया जाता है कि पूरे के पूरे फ्लोर पे जो है रख दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर बुलक्स को घुमाया जाता है. उससे क्या होता है कि सारे के सारे सीड्स निकल जाते हैं. ये ट्रेडिशनल तरीका है. बाकी फिर तो मिल्स भी हैं जहां पे सीड्स वगैरह पॉड्स को अलग कर दिया जाता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट हार्वेस्टिंग. कोई एग्जाम में मतलब आने लायक इसमें तो है नहीं कुछ क्वेश्चन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ब्लैक ग्राम. नाउ इसका साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम यूजुअली नहीं आता है एग्जाम में, बार बार बता चुका हूं मैं. इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, दिस इज विग्ना मुंगो. ध्यान रखिएगा, बाय चांस अगर आ जाता है. ओके, दिस इज जिसको नहीं पता होगा साइंटिफिक नेम, जिसको ध्यान नहीं होगा बिल्कुल भी, वो हमेशा साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम लगा के आएगा, विग्ना मुंगो. क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, विग्ना मुंगो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डैश ए ग्रीन ग्राम, बी ब्लैक ग्राम, सी रेड ग्राम, डी बेंगोल ग्राम. ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन होगा, आपको सही आंसर चूज करना है. एंड अगर आपको पता होगा तो ऑब्वियसली आप ब्लैक ग्राम लगा के आओगे, अगर नहीं पता होगा तो फिर आप ग्रीन ग्राम ही लगा के आओगे, क्योंकि इसका जो स्पीसीज का नाम है ये है मुंगो. ठीक है, लगेगा कि मूंग का ही तो है, राइट? और इसका जो कॉमन नेम है क्या है, उरद. कॉमन नेम उरद. आई थिंक मैंने ग्रीन ग्राम का कॉमन नेम नहीं बताया, सो इट इज मूंग. क्लियर? चलिए, सो कॉमन नेम हो गया यहां पे उरद. फैमिली लेग्यूमिनेसी और फैबेसी. क्रोमोसोम नंबर, सेम क्रोमोसोम नंबर है, 2n इज इक्वल टू 22. क्या बोला मैंने, 20t बोला मैंने, 22. ओके, 2n इज इक्वल टू 22.
ओरिजिन सेम इंडिया. क्लियर. सो दिस इज अबाउट द टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लैक ग्राम. ओके. विग्ना मुंगो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम. नेक्स्ट. सो अब आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं. देखो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था जो ग्रीन ग्राम का था वही है ब्लैक ग्राम का, नथिंग डिफरेंट. ओके. बस प्रोटीन परसेंटेज जो है ना वो इसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है 8% का, नॉट मच. प्रोटीन कंटेंट 25-26%. ओके. 25-26% का प्रोटीन कंटेंट. क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्रॉप. ओके. फोटोपीरियडिज्म के केस में सेम है लेकिन यहां पे डे न्यूट्रल वेराइटीज भी अवेलेबल है. ओके. फोटोपीरियडिज्म में शॉर्ट डे लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल. ओके. सारे के सारे वेराइटीज आपको मिल जाएंगे. ओके. ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो रेंज है ना थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे ग्रीन ग्राम्स. ओके. शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है और रेंज जो है इसका थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे ग्रीन ग्राम से 25-35 degrees Celsius. ओके. 25-35 degrees Celsius. क्लियर. लास्ट पॉइंट ग्रीन ग्राम मतलब ब्लैक ग्राम सबको सेम है. सो ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ पड़ा ही नहीं. ओके. जो ग्रीन ग्राम के लिए एप्लीकेबल है वही ब्लैक ग्राम के लिए भी एप्लीकेबल. ओके. जो सीड रेट है वो है यहाँ पे 20-25 kg per hectare. ओके. सीड रेट कितना है 20-25 kg per hectare. अब मैं जो लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगा ये दिस लास्ट पॉइंट इज बोथ फॉर ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम. मॉइस्चर परसेंटेज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम इज 8-10%. क्लियर. कितना होना चाहिए? 8-10% होना चाहिए. ओके. सो दिस वॉज अबाउट ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम. इसी के साथ आपके पल्स क्रॉप खत्म हो जाते हैं. कल पढ़ेंगे ग्राउंडनट. ओके. एंड ग्राउंडनट इज बोथ अ पल्स क्रॉप एंड ऑयल सीड क्रॉप. ठीक है. ग्राउंडनट इज बोथ अ पल्स क्रॉप एंड ऑयल सीड क्रॉप. ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. ओके. ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. इसका जो अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्राउंडनट और सोयाबीन पढ़ेंगे. उसके बाद मस्टर्ड सनफ्लावर सैफ्लावर लिनसीड हो गया. ओके. वी आर डन. इतना हो गया. उसके बाद एक टोबैको क्रॉप देख लेंगे एंड क्रॉप्स खत्म हो जाएगा. सो हार्डली और 5 days. आई मीन इस वीक में क्रॉप्स कंप्लीट. नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट या फिर वाटर यूज एफिशिएंसी कंप्लीट. ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. कंप्लीट करके हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे सॉयल साइंस पे. ओके. 35-40. देखिए मोनिका मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एग्रीकल्चर में क्या है ना आप जितने बुक्स देखोगे आपको ना थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा. ठीक है. तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि स्टिक टू सम ऑफ द यूनिवर्सल बुक्स. ओके. मतलब जो सब लोग रेफर करते हैं रादर देन गूगल तो बिल्कुल भी नहीं. काइंडली नोट कीजिए एग्रीकल्चर के केस में काइंडली गूगल रेफर मत कीजिए. आपको इतने आंसर्स मिलेंगे इतना वेरिएशन मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे कि मतलब पढ़ना क्या है कौन सा सही है. इवन आप अगर सिंपली क्रोमोजोम नंबर भी किसी का सर्च करोगे ना आपको हजारों क्रोमोजोम नंबर्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि देखिए गलत नहीं है. ओके. इट्स नॉट रॉन्ग. अलग अलग वेराइटीज होते हैं अलग अलग प्लॉयडी लेवल होते हैं. ठीक है. उस हिसाब से अलग अलग स्पीशीज भी होते हैं. ओके. उस हिसाब से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है. यू शुड नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. अगर आपको ये नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर तो आप जो है मिसलीड हो जाओगे. ओके. आपको करना क्या है बेसिकली गूगल के अलावा कोई एक मतलब कोई भी बुक रेफर करो. ओके. इफ यू डू वॉन्ट टू रेफर एनी बुक. ओके. जो कि एक्चुअली आपके थोड़े बहुत पोर्शन के लिए Not at all advisable. Okay, क्योंकि आप जो भी बुक लाओगे obviously उसमें ज्यादा content होगा. First thing and the second thing is आप पूरा इतना मोटा किताब खरीदोगे और उसमें आपको चाहिए कितना होगा? Just hardly 30-40 pages. That's it. Okay.
श्योर आर से यहाँ पे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द मॉक टेस्ट एज सून एज द क्रॉप्स आर डन, एज सून एज द क्रॉप्स आर डन आई विल प्रोवाइड यू द मॉक टेस्ट, क्लियर? ओके, नो सिरसा आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ लीव, ओके? देखिए यहाँ पे आई थिंक एक दो दिन में साइक्लोन आने वाला है, उसके लिए अगर थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टरप्शन होगा तो होगा, बट अदरवाइज आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ लीव फ्रॉम नाउ. जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक विल स्टे ट्यून्ड ऑन यूट्यूब, ओके? बट मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत और डिटेल में देखना होगा. इफ यू आर थिंकिंग कि मैं सिर्फ और सिर्फ इशू को देख लूंगा एंड एवरीथिंग विल बी डन, नो, ठीक है? इट इज लाइक 60% में कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़े 40% के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा महीने चाहिए, जो कि आप चाहो तो कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, ओके? श्रेया, दैट्स व्हाट आई सेड, ओके? कि इफ यू आर गोइंग टू बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप बुक देन यू विल नेवर फाइंड ऑल द टॉपिक्स. अरुण कहता है आपको लास्ट के जो टॉपिक्स है ना वो तो नहीं मिलने वाले, ठीक है? वो तो नहीं मिलने वाले यहाँ पे, ओके? बाकी के जो टॉपिक है आई थिंक यू विल गेट 70% ऑफ योर सिलेबस. आपको आपके 70% सिलेबस मिल जाएंगे, यू विल गेट ऑल 70% ऑफ योर सिलेबस, बट सम थिंग्स विल बी देयर दैट यू विल नॉट गेट इन दैट बुक, ओके? एंड आई विल नेवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बुक फॉर दैट, क्योंकि ना ही मैं भी आपको कोई एक बुक से नहीं बताने वाला हूँ इसको, ओके? सो यहाँ पे अलग अलग बुक्स हैं जिससे रेफर करूंगा. इवन अभी जो है ना, मतलब मेरे स्टडी रैक पे यहाँ पे जो है बहुत सारे बुक्स हैं, ओके? सो हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली कंपाइल करते हैं, ओके? एक बुक से कोई नहीं पढ़ाता, एक बुक से तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, लेकिन तो फिर हमारे पास सेशंस अटेंड करने का आपका क्या फायदा है? फायदा ये है कि यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन ट्रेंड्स को नजर में रखते हुए कौन सा सबसे बेस्ट पोर्शन है, बेस्ट अप्रोच है, कौन से डेटा कौन से बुक से पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो है मटेरियल्स रेडी करते हैं, ठीक है? सो दैट इज वही एक फायदा है. बाकी तो फिर आप लोग सब यू आर नॉट किड्स, आप लोग खुद से भी तैयारी कर सकते हो अपना मटेरियल्स कंपाइल करके, ओके? क्लियर? चलिए, तो आई एम फ्रॉम ओडिशा, ओके? तो यहाँ पे जो है साइक्लोन आने वाला है एक दो दिन में, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम. मिलेंगे अगले सेशन में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ.